हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल एनसीईआरटी बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती के बारे में। हम यहाँ पे बात करेंगे और देखिए, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी होगी, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल है यहाँ पर कितनी वैकेंसी होगी। तो देखिए, यहाँ पर कुमाऊं मंडल की हम बात कर लें तो यहाँ पर 406 पदों पर जो भर्ती होगी एलटी का वो होगा यहाँ पर, और गढ़वाल मंडल में 618 पदों पर एलटी की भर्ती होगी, ठीक है। और गढ़वाल मंडल में हमेशा ज़्यादा ही पोस्ट निकलती हैं। पिछली बार 2017 में जो भर्ती निकली थी वहाँ पर भी गढ़वाल की बहुत ज़्यादा वैकेंट सीटें थी, ठीक है, और इस बार भी वहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्या है, यहाँ पे पदों का ब्यौरा जो है UK SSC को भेज दिया गया है, ठीक है। और जितने भी अब यहाँ पर पद दिए गए हैं यहाँ पर UK SSC को भेज दिया गया है, और जो पेपर कराएगा आपका UK SSC का रहेगा, ठीक है। ग्रुप सी के तहत ये भर्ती निकलेगी, और इसकी भर्ती निकलने की डेट जो है वो जल्दी जल्द निकल जाएगी, क्योंकि मैंने बता रखा है आप लोग को प्रीवियस ईयर वीडियो में, आपको बता रखा है जुलाई के बाद से ही निकलने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए, जो 10% आरक्षण था यहाँ पर, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट चल रहा था, और अब यहाँ पर कुमाऊं मंडल ने क्या कर दिया है, जो पदवार है और यहाँ पे आरक्षणवार है, ठीक है, यहाँ पे जो UK SSC को भेज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भर्ती होगी अब जल्दी निकल जाएगी, यहाँ UK SSC के पास जाती हुई भर्ती चली जाएगी, तो यहाँ पे बहुत जल्द ऐसे आसार है कि यहाँ पे जल्दी से जल्द भर्ती होने के आसार हैं, क्योंकि कुमाऊं मंडल ने दे दिया है यहाँ पर UK SSC को अब, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कब तक भर्ती निकालते हैं, और इसकी हो सकता है तो जुलाई के बाद या जुलाई तक आपकी जो भर्ती है वो कंफर्म हो जाएगी यहाँ पर आने की। तो पॉसिबिलिटीज, ठीक है, यहाँ पे 100% तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो 90% पॉसिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे जुलाई तक हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि पहले भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग व्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पे जुलाई तक जो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे जुलाई तक हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे कि सर अपने मन की करते हैं, तो जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने जुलाई में क्यों होगा इसका रीज़न भी दिया था, ऐसा ही नहीं बोला था कि मेरे जुलाई में होगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गढ़वाल मंडल में जो भर्ती हैं और कुमाऊं मंडल में जो भर्ती हैं पद हैं वो कितने पद होंगे, और इसकी जो कब तक आने की जो चांसेस हैं यहाँ पर कब तक है, और SSS को UK SSS को भेज दिया गया इसका ब्यौरा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10% आरक्षण बाध्यता उत्पन्न कर रही थी, तो ऐसे में सरकार ने इसकी जो बाध्यता थी वहाँ पे ख़त्म कर दी है, और 10% जो आरक्षण है वो इजीली सर्टिफिकेट बन सकता है आप सभी का। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं बना रखा है और कैसे बनाना है, ये मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो की लिस्ट में देखना, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटा सा पुराना न्यूज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पर, उसको पढ़ा देता हूँ कि जो भर्ती के जो ब्यौरा है वहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग जो न्यू लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके बारे में हम बता देंगे उसके बाद। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एलटी की 1024 पद हैं, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल जो रिक्तियाँ हैं यहाँ पर 1500 के समथिंग हैं, ठीक है, लगभग 1500 के करीब हैं, और यहाँ पर 10% आरक्षण दे दिया गया है अब। और यहाँ पर देखिए, रिक्ति जो एलटी के पद हैं यहाँ पर 1024 हैं, और जो प्रवक्ता के हैं यहाँ पे 500 हैं, ठीक है, 500 के समथिंग है, मतलब ठीक है 500 क्रॉस या 500 के समथिंग जो हैं प्रवक्ता के यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये कुछ वीडियो पहले मैंने इसको अपलोड कर रखा था, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बता रखा है मैंने यहाँ पे कितना है यहाँ पे। तो इस न्यूज़ को दिखाने का मतलब आगे बताऊँगा मैं क्यों दिखाया मैंने इस न्यूज़ को, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में है मुद्दा क्या, यहाँ पे जो कुमाऊं में यहाँ पे देखिए अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे कुमाऊं में होगी 406 एलटी शिक्षकों की भर्ती। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ये सोमवार का पेपर की कटिंग है, यहाँ पे 406 जो एलटी के शिक्षक भर्ती है यहाँ पर उनकी जो भर्ती है वो होना है। और यहाँ पर इसका पूरा ब्यौरा देख लेते हैं हम, क्या लिखा गया है, कुमाऊं मंडल में एलटी कैडर के सीधी भर्ती के लिए
ठीक है। यहाँ पे देखिए कितनी है पोस्ट, यहाँ पे 406 पदों पर भर्ती होगी ऐसा लिखा गया है। सोमवार को कुमाऊं मंडल के अपर निर्देशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने, ठीक है, जो यहाँ पे अपर निर्देशक हैं डॉक्टर मुकुल कुमार सती, उन्होंने क्या कर रखा है देखो, राज्य अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को विषय, यहाँ पे मेन बात यहाँ पे देखिए, विषय और आरक्षण वाल जो ब्यौरा है वो सौंप दिया गया है। तो देखिए जो डॉक्टर मुकुल कुमार सती है UK SSC को उन्होंने क्या सौंप दिया है, विषयवार मतलब जो पोस्ट निकलेंगी पद वाइज, जो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट हैं कुमाऊं में 406 टोटल पोस्ट हैं, वो सब्जेक्ट वाइज अब उसको सौंप दिया गया है और आरक्षण वाइज भी, क्योंकि 10% देना कंपलसरी था तो उसमें थोड़ी समस्या बनी थी विभाग को, तो ऐसे में उन्होंने 10% आरक्षण बना के वहाँ UK SSC को दे दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ कितनी पोस्ट किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं उसका ब्यौरा भी वहाँ पर दे दिया गया है। और मेरे हिसाब से अगर अगर आपको ब्यौरा देखना है तो आप रिट लगा सकते हैं, ठीक है, सूचना का अधिकार लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पदों की जो ब्यौरा है वो मिल जाएगा। और ग्रुप में एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं रिट लगाऊंगा, अगर वो लगाना चाहता है तो लगा सकता है, और रिट लगाने की मैं भी सोच रहा था एक बार, ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी लगा सकता हूँ रिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुमाऊँ में शेष रिक्त, ठीक है, 133 पद विभागीय प्रमोशन प्रक्रिया से भरे जाएंगे, ठीक है। जो कुमाऊँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 133 पद जो हैं शेष वो यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्रमोशन होंगे उसके द्वारा भरे जाएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर लिखा है शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता के 507 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रवक्ता के 500, मैंने बोला है कि 500 के करीब समथिंग इसकी पोस्ट हैं, ठीक है, जो ये क्योंकि न्यूज़पेपर देखिए एग्जैक्ट निकाल नहीं रहा है, कहीं पर 500 लिख रहा है, कहीं पर 507 लिख रहा है, तो 8-10 अंतर हो जा रहा है उससे, तो जितनी भी भर्तियाँ हैं तो उसमें प्लस माइनस हो रहा है इसमें, तो कुल मिला के 500 प्लस है, अगर घट भी जाएंगे तो 400 के समथिंग रहेंगी, लेकिन ये मान के चलो कम से कम 500 के जो करीब हैं वो भर्ती आ जाएगी प्रवक्ता की। और उसकी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी गया है, यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और क्या लिखा गया है यहाँ पे, शिक्षा निर्देशक RK कुंवर के अनुसार इसका प्रस्ताव भी जल्दी भेजा जा रहा है, ठीक है, जो प्रवक्ता का जो, ठीक है ना, प्रक्रिया है उसका भी प्रस्ताव जल्दी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ बात हो जाती है, जो LT है यहाँ पे 406 पदों के लिए LT है यहाँ पे आरक्षणवार और यहाँ पे विषयवार उत्तराखंड ने के जो कुमाऊं मंडल के अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग है यहाँ पर इसको दे दिया गया है। तो यहाँ पे 406 LT की पोस्ट होंगी, तो जो रिमेनिंग बचे समथिंग मेरे ख्याल से 618 ही बचेंगे, तो वो गढ़वाल मंडल में आएंगी, हो सकता है ये, ठीक है, 500 के समथिंग हो क्या, अगर ये जो 133 पद ऐड और कर देंगे तो थोड़े कम हो जाएंगे इसमें, तो 133 पद इसमें थोड़ा घट जाएगा, तो समथिंग 500 के करीब निकल जाएगा इसमें ऐसे में, ठीक है। तो जितनी भी ये भर्तियां हैं ये जो है कुमाऊं मंडल ने दे दिया है, ऐसे ही कुछ टाइम के बाद, ठीक है, वीकली मेरे ख्याल से क्या पता वहाँ पर गढ़वाल मंडल में भी पदों की वाइज और जो आरक्षण वाइज है यहाँ पर वो भी सौंप दें वहाँ पर ब्यौरा UK SSC को, ठीक है। और UK SSC उसके बाद जब गवर्नमेंट कहेगी इनको कि भर्ती निकालें तो उसके बाद निकाल सकती हैं, ठीक है, और तब तक के लिए ये जो ब्यौरा है ये UK SSC जाएगा, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये सब जितना भी, ठीक है, राज्य अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग तय करेगा, और इसका पैटर्न क्या है ये सारा का सारा तय करेगा, और उत्तराखंड जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग है उसका जो पैटर्न है LT का वो सेम रहेगा, जो पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न पर आधारित रहेगा, उतने ही मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ठीक है, और क्वालिफिकेशन भी वही रहेगी जैसे कि पुरानी थी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट देगी इस न्यूज़ के थ्रू, और मेरा पूरा
ये है कि जो आपके लिए न्यूज़ लेके आए वो एकदम फेयर हो, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, और उसका जो कमेंट है, रिप्लाई है, मैं ऑफकोर्स 100% करूँगा। जितने भी मुझे वहाँ पे आपके कमेंट मिलेंगे उसका रिप्लाई करने की कोशिश पूरा करूँगा, चाहे वो लेट हो, लेकिन 2-3 दिन लेट हो या 1 दिन लेट हो, 2-4 घंटे लेट हो, लेकिन उसका रिप्लाई मैं हमेशा करूँगा। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ तब तक के लिए सोच रहा हूँ कि अगर कोई अच्छी सी न्यूज़ आ जाए तब तक उत्तराखंड रिलेटेड, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, लोग कह रहे हैं कि सर कब आएगी भर्ती, कब आएगी, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है लोगों के लिए कि यहाँ पे राज्य अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के पास यहाँ पे 406 जो है उत्तराखंड कुमाऊँ जो मंडल है वहाँ से भेज दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, इस बार जो आपकी भर्ती है वो कंफर्म है, 101% आपकी कंफर्म है कि भर्ती पक्का आएगी, क्योंकि आप अभी से पढ़ना तैयारी करते हैं अकॉर्डिंग। और कुछ मेरी थोड़ी तबीयत से ख़राब हो गई थी, इसके वजह से आपके जो वीडियोस हैं वो लगातार आ नहीं पा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि डेली वाइज पे आपके सब्जेक्ट जो है कवर हो जाए, मैं वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें और भर्ती की इस बार आ जाएगी भर्ती, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।